जुमरा नामक गांव में भिक्षु नामक एक मिस्त्री रहता था। वो आसपास के गांव के लोगों का घर बनाता रहता था। एक दिन उस गांव के प्रेसिडेंट से भिक्षु, प्रेसिडेंट जी, सरकारी घरों का काम खत्म हो गया, मुझे देने वाले पैसे दिए तो मैं मजदूरों को दे दूंगा। कमाल करते हो भाई, सरकार के पैसे आने के लिए कितना वक्त लगता है तुम्हें पता है ना? एक हफ्ते के बाद देखो। देखिए, ये कहानियाँ आप किसी और से बोलिए, मुझसे नहीं। सरकार ठीक समय पर पैसे देती है ये मुझे पता है। वैसे मैं एक नया घर बनाने की सोच रहा हूँ, मुझे मटेरियल खरीदना है। अगर आप पैसे किए तो क्या करना है मुझे अच्छे से पता है, सोच लीजिए। हे भिक्षु, तुम भी ना क्यों गुस्सा करते हो भाई, तुम्हारे बारे में मुझे पता है ना। अगर तुम चाहे तो CM भी बन सकते हो, सही ना? मजाक बहुत हुआ, अगर कल मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो आपको सिनेमा दिखाऊंगा, कहकर वहां से चला गया। प्रेसिडेंट अपने आदमी मोहन को बुलाकर, रे मोहन, ये हमें ही वार्निंग देकर जा रहा है, लगता है इसकी चर्बी बहुत चढ़ी है। उतना ही नहीं, के बनाए घरों में हमें हिस्सा नहीं देते हुए उल्टा हमें ही डरा रहा है। देखो, कल उसके पैसे दे दो, मगर उसे इस गांव में रेती के अलावा लोहा सीमेंट ऐसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। नया घर बना रहा है ना, वो कैसे बनाएगा मैं भी देखता हूँ। अगले दिन भिक्षु को मोहन पैसे दे दिया। अब भिक्षु किसी भी दुकान पे जाकर पूछने पर दुकान वाले उसे सीमेंट आयरन ऐसा कुछ भी नहीं है कहकर बोलने लगे। वो निराश हुआ और घर आया। भिक्षु अपने पत्नी दीपाली से, ये सब जरूर उस प्रेसिडेंट का करतूत ही है, नहीं तो हर दुकान में भर भर के सामान है, फिर भी वो लोग मुझे सामान नहीं है कह रहे। तो क्या हुआ जी, बगल वाले गांव से मंगवाएंगे ना, तब उसे सबक मिलेगा। मैंने वो भी कोशिश की है, बगल वाले गांव में रेट दुगना बोल रहे हैं, अगर वो खरीद कर घर बनाए तो हमारा काम तमाम हो जाएगा, कम से कम हम स्लैब तक नहीं बना सकते। तभी वहां पर भिक्षु का दोस्त राजेंद्र आया। 200 साल पहले ये आयरन सीमेंट के बिना लोग घर कैसे बनाए होंगे, और वो अब के इमारतों से भी बहुत मजबूत रहते थे। उस जमाने में रेत, चूना पत्थर, अंडे का सुना, वो सब मिलाकर बनाते थे, ऐसा मैंने हमारे दादाजी बात करते समय सुना था। वैसे भी आजकल उस तरीके से घर कौन बना रहा है? हम बनाएंगे रे, हमारे गांव में ऐसे पुराने जमाने के तकनीक जानने वाले एक बुजुर्ग है, वो हमारी मदद कर सकते हैं, कहकर उस गांव के बूढ़े के पास लेकर गया। उसे देखकर राजेंद्र से भिक्षु, रे ये साइंटिस्ट है ना, ये हमें सीमेंट के बारे में क्या बताएंगे, वैसे इन्हें क्या पता होगा? रे इन्होंने बहुत सारे किताबें पढ़ी है, इन्होंने मुझे इनके घर में काम करते वक्त सिर्फ रेती का ज्यादा इस्तेमाल करके घर कैसे बना सकते हैं, उस जमाने में राजा लोग महल कैसे बनाते थे वो सब मुझे बताते थे, इसीलिए तुम्हें इनके पास लेकर आया हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे, कहकर साइंटिस्ट के पास लेकर गया। वो लोग उन्हें अपने समस्याओं के बारे में बताए। उनके बातें सुनकर साइंटिस्ट रेत और थोड़े चीजों का इस्तेमाल करके सैंड हाउस कंस्ट्रक्शन कैसे बनाते हैं उन्हें बताया। वो उनका शुक्रिया अदा करके भिक्षु राजेंद्रा दोनों मिलकर सैंड हाउस को बनाना शुरू किए। सिर्फ 2 ही महीनों में रेत से घर बनाने के कारण गांव के लोग उसे हैरान होकर देखते रह गए। उस घर के बारे में मोहन प्रेसिडेंट से बताया। तब मोहन से प्रेसिडेंट, क्या सिर्फ रेती से घर बनाया, यानी वो जरूर पागल बन गया होगा, ठीक है बनाने दो। कल के दिन हमारे बनाए घरों में कुछ समस्या आए तो भिक्षु ने सभी घरों को ऐसे ही बनाया है कहकर उस पर इल्जाम लगा सकते हैं। भाई आप उसे कम मत सोचिए, वो एक मिस्त्री रहने के बावजूद भी खुद का घर बना रहा है तो समझो कि कुछ तो बात है। अगर उसका घर सक्सेस हुआ तो सोचो हमारा काम तमाम हो जाएगा। अरे तो हमें भिक्षु को आसानी से नहीं लेना चाहिए, आज रात ही जाकर उसके सैंड हाउस को नाश करके आएंगे, कहकर वो दोनों भिक्षु के घर को चोरी छुपे गए। और सैंड हाउस को देखकर प्रेसिडेंट, रे ये मामूली आदमी नहीं है रे, इसे उसने कितना मजबूत बनाया, उतना ही नहीं खर्चा भी बहुत कम हुआ लगता है, इसे कुछ भी करके नाश करना होगा, नहीं तो हमारे गांव में ये बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा और हम जोकर हो जाएंगे, ऐसे कह रहा था तभी भिक्षु वहां पर आकर
रे तुम सच में जोकर ही हो रे, नीच कमीनो। मेरे घर को नाश किए तो तुम लोग हीरो कैसे बनोगे रे? वैसे भी तुमने मुझे सीमेंट, आयरन ये सब नहीं मिले जैसे किए हो ना, वो बस नहीं है क्या कमीने कहीं के? हे भिक्षू, तुम यही हो क्या? मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम बेकार में सीरियस हो जा रहे हो। यू क्रेजी बॉय। बॉय गया तेल लाने। रे तेरी हड्डी फसली तोड़े तक तुम नहीं मानोगे लगता है। मुझे सब समझ में आ गया है रे। रे भिक्षु, ऐसे पागल कुत्ते को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, भगा भगा कर मारना चाहिए। और क्या सोच रहे हो, चलो इन्हें खूब पीटेंगे। कहकर राजेंद्र भिक्षु प्रेसिडेंट को खूब पीटने लगे। उनके मार से प्रेसिडेंट और मोहन वहां से भाग गए। उसके बाद प्रेसिडेंट और मोहन सैंड हाउस के आसपास भी नहीं दिखे। उतना ही नहीं, वो सैंड हाउस आसपास के गांव में बहुत मशहूर हुआ। उनके जैसे घर बनाने के लिए लोग भिक्षु को पूछने लगे। सिरोल के गांव में भरद्वाज कहकर एक वैज्ञानिक रहता था। वो हमेशा भूमिगत में मिले चीजों को और समुन्द्र के अंदर खजानों के ऊपर प्रयोग करता रहता था। भरद्वाज को बलवीर कहकर एक व्यापारी कुछ सालों से उनके प्रयोग के ऊपर निवेश कर रहा था। एक दिन भरद्वाज के पास बलवीर आकर, क्यों वैज्ञानिक साहब, किधर तक आया है हमारा प्रयोग? कुछ सालों से मुझसे आपको इनकमिंग मिल रहा है, लेकिन आपसे मुझे कोई आउटगोइंग नहीं मिला। मेरा कोशिश तो जारी है बलवीर जी, वही काम पर लगा हुआ हूँ। और दो दिन का इंतजार कीजिए, आप खुद नहीं सोचेंगे, ऐसा आपका ऋण को वापस करता हूँ। अरे ये बात को तो तुम कुछ सालों से कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक डाउट है, तुम सारे साइंटिस्ट लोग ऐसे ही हो क्या? देखिए सर, आप इतना सालों से मेरा साथ ट्रैवल किए हैं, लेकिन मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है ना? दो दिनों में आपको समुंदर से अंडर वाटर मनी वेल से कुछ करोड़ों रुपए निकाल कर देता हूँ। क्यों भाई साइंटिस्ट, मैं तुमको बड़ा कॉमेडी पीस जैसा दिख रहा हूँ क्या? समुंदर क्या है और उसमें अंडर वाटर मनी वेल क्या है? ठीक है, अगर तुम्हारा बात मान लिया तो अंडर वाटर में सोना मिलना चाहिए। ये रुपये कहाँ से मिलेंगे बताओ? समुंदर के गोले और मछलियाँ मिलकर रुपयों को प्रिंट करेंगे क्या? अरे वो डेढ़ दिमाग, वो ब्लैक मनी है। राजनेता और बड़े बिजनेसमैन बिना टैक्स भर के रखते हैं ना वो रुपये, एक माफिया गैंग के जरिए समुंदर में अंडर वाटर मनी वेल में छुपा कर रखे है। ऐसा है क्या? तो ये बात तुमको कैसे पता चला? पहले जो सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किए थे, तब मैंने नया प्रिंट हुए नोट्स में कुछ माइक्रोचिप्स लगा कर रखा था। उसमें जरूर कुछ नोट इन ब्लैक मनी स्टोरेज में जाएगा कहकर मेरा डाउट था। आज मुझे एक नोट से इंफॉर्मेशन मिला है, कुछ माइक्रोचिप समुंदर के अंदर से सिग्नल्स भेजे थे, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। आज रात को वो अंडर वाटर मनी वेल कहाँ है कहकर एग्जैक्ट लोकेशन का मैपिंग करता हूँ। वाह रे वैज्ञानिक भाई वाह रे, तुम अद्भुत वैज्ञानिक। फिर तुम तुरंत वो मैप को तैयार करो, हम उधर जाएंगे। बाय बाय, लव यू वैज्ञानिक, कहकर उधर से चला गया। इन दोनों के बातों को भीम कहकर एक चोरों का नायक चुपके से सुन लिया और उनके अनुगामियों के साथ भीम, सुनो साथियों, वो कुछ मैप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो मैप को हम चुराया तो उस मनीवेल से उन पैसों को भी चुरा सकते है। भीम भाई, वो अंडर वाटर मनी वेल कह रहा है ना, ऊपर से वो ब्लैक मनी है और ऊपर से पूरा सेफ्टी भी रहता होगा, हमारे जान को बहुत खतरा हो सकता है। तुम मुंह बंद कर बे गधे, जितना भी सेफ्टी रहने दो, इस महान चोर भीम के आगे कुछ भी नहीं है। पहले हमारा तैरक क्रेजी बॉय को तैयार रहने के लिए कहो, सबसे पहले जाकर उस मनी वेल से हम मनी चुराएंगे। उस रात को भीम के अनुगामी साइंटिस्ट के पास उस मैप को चुरा कर लेके गए। ये बात जानकर भरद्वाज तुरंत बलवीर से कहा। वो सुनकर बलवीर, टेंशन नहीं लेने का साइंटिस्ट साहब, ये सब उस चोर भीम का काम ही है ना, मुझे मालूम है, मैं सुबह में उसको इधर देखा था। तो चलो उससे पहले हमको जाकर रोकना होगा। देखो मिस्टर वैज्ञानिक, सारे जगह तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलता है, हमारा भी चलता है। अब अगर हम उस अंडर वाटर मनी वेल के पास गए तो उधर क्या क्या खतरा हो सकता है हमें पता नहीं है ना। अगर वो चोरों का नायक गया तो वो सब खतरा का सामना करना पड़ेगा। पैसे निकालने के बाद उसे कुछ सुपारी देकर हमारा हिस्सा हम ले सकते हैं। अगर वो बाहर नहीं आया तो हम इस बार बहुत सिक्योरिटी मेजर्स लेकर जाएंगे, ठीक है? सर आप भी आम आदमी नहीं हो, आपका भी दिमाग मामूली दिमाग नहीं है सर। भीम उनके अनुगामियों के साथ एक बोट में समुंदर में गया
और डाइविंग सूट्स पहनकर समुद्र के अंदर कूदे। वे तैरते हुए अंडर वाटर मनीवेल के पास गए थे। भीम उस मनीवेल का लॉक को खोलकर बैग में रुपए भर के वापस तैरते हुए आकर उस बोट में चढ़े। और उस बोट में सब किनारे पहुंच गए। अब किनारे के ऊपर भरद्वाज, बलदेव और उनके पीछे कुछ लोगों को देखकर भीम और उनके अनुगामी हैरान हो गए थे। तब भीम बलदेव से, भीम द ग्रेट चोरों का चोर, मिस्टर भीम, हमारे मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लाए हुए रुपयों में आपका चाय और टिफिन का खर्चा उठाकर बाकी इधर छोड़कर वापस चले जाओ। और आपकी बच्चों के लिए लॉलीपॉप्स खरीदना मत भूलना। नहीं नहीं, ये मैंने बहुत मुश्किल से कमाया है, इसमें से मैं आपको एक रुपए भी नहीं दूंगा। अबे ओए, ये तुम्हारे पैसे हैं, ये हमारा वैज्ञानिक का सालों का मेहनत का खजाना है और इसमें मैंने निवेश किया है। शायद तुमको आज हड्डी टूटवाने का भविष्य लिखा हुआ है। देखिए सर, मेरे पीछे भी लोग हैं, एक बार सोच लो। अरे तुम्हारे आदमी तो चोरी करने में मशहूर हैं, लेकिन मेरे आदमी तो हड्डियाँ तोड़ने में मशहूर हैं। बॉयज, जाकर उनका पूरा हड्डियाँ तोड़ दिया जाए। तब बलवीर के आदमी भीम और उनके आदमियों को खूब पीटे। बाद में भीम को कुछ पैसे देकर भरद्वाज और बलदेव उनके आदमियों के साथ वापस चले गए।